सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया। दरअसल बात कर रहा हूँ 15 फरवरी 2024 की। इसी जिले के SP साहब होते हैं जिनका नाम है संकल्प शर्मा। संकल्प शर्मा के पास एक लड़की जाती है। उस लड़की ने कहा कि सर मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में महिला आरक्षी के पद पर तैनाती है। मैं आपसे बहुत जरूरी बातचीत करना चाहती हूँ। जब उस IPS ऑफिसर के सामने खड़ी होती है तो उन्होंने कहा ठीक है आप बात कर सकती हैं। तभी उस महिला आरक्षी ने कहा कि मैं सबके सामने अपने दिल की बात कह नहीं पाऊंगी, इसलिए आपको इन बाकी लोगों को बाहर करना होगा। जैसे ही SP साहब ने इधर उधर देखा, वहां पर पहले से ही मौजूद कुछ लोग भी होते हैं, साथ ही कुछ ऑफिसर भी होते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। तभी उस लड़की की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते रोते अपनी कहानी बयां करती है। दरअसल कहती है कि 4 या 5 साल पहली बात है, 4-5 साल पहले उसकी अंकित कुमार सिंह नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी और इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती के साथ इन्हें प्यार हो जाता है। प्यार के साथ साथ फिर ये दोनों एक दूसरे की बहुत सारी बातें करते थे, फोन पे भी बातें होती थी, मिलते भी थे जब इनका मन करता था। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन 2 मार्च 2020 की बात है, इस लड़के ने इस महिला आरक्षी से कहा कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, और एक एकांत जगह, एक अकेली जगह जहां पर कोई दूसरा ना आ सके, वहां ये दोनों मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के साथ साथ ही दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि ये दरोगा जो होता है वो इस महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। जब शारीरिक संबंध बना लेता है वो विरोध भी करती है, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि उसको अपने वश में कर लिया था, उसे अपने प्यार के, उसे बातचीत के, उसे पूरा विश्वास दिलाया गया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारे साथ जीऊंगा, तुम्हारे साथ मरूंगा। इस तरह की जब कस्में, वादे, जब बातचीत हुई तो इस महिला पुलिस कांस्टेबल ने विरोध नहीं कर पाई। लेकिन जब इसके साथ गलत काम हो जाता है, तब ये बैठी हुई रो रही थी, तो उसने कहा कि पगली तू परेशान क्यों होती है, हम लोग दोनों साथ रहेंगे, शादी कर लेंगे, ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल को ये बात पता चलती है, उसको थोड़ा विश्वास हो जाता है कि कोई बात नहीं है, शादी तो करनी ही है, नया घर बसाना है, नई किसी की जिंदगी में कदम रखना ही है। ठीक वैसे जैसे होता है, अपनी जिंदगी सामान्य पटरी पर आने लगती है। उसके बाद फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। दोबारा मुलाकात करने के बाद अब इन दोनों के बीच में फिर से शारीरिक संबंध बन जाते हैं, क्योंकि उस महिला कांस्टेबल को ऐसा विश्वास होने लगा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। और जब ये अगली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तब उसने उसकी कुछ अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में उतार लेता है। इस तरह की बातें जब उस SP साहब को बताई जा रही थी, तो उसने बताते बताते कहा कि उस दरोगा ने उसके साथ फिर जब भी मन करता था तब वो गंदा काम करता था, यानी कि उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। जब वो मना करती थी तो कहता था कि तुम्हारे फोटोग्राफ्स, तुम्हारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, तुम अपने परिवार को क्या मुंह दिखाओगी। इस तरह की जब बातें होती थी तो इस महिला कांस्टेबल को मजबूरन उस दरोगा के पास जाना पड़ता था। जब उसने जिद की कि तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते, उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, शादी कर लेंगे, शादी का भी झांसा देता था, साथ ही उसके जो फोटोग्राफ्स थे उनकी भी धमकियां दिया करता था। और जब उसका मन कर रहा था तब तक उसके साथ वो ऐसे ही करता चला जाता है। वक्त आगे बीतता है, ये भी आरोप लगाया जाता है कि वो बार बार उसके साथ मारपीट भी किया करता था। जब कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है तभी वो महिला, यानी कि महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। अप्रैल 2022 की ये बात है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है वो बताती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। तो दरोगा ने कहा कि कोई बात नहीं है, उसको वो एक हॉस्पिटल लेके जाता है, उसका जबरदस्ती डॉक्टरों पर दबाव बनाकर उसका वो गर्भपात करा देता है और फिर से वो अपनी मनमानी पर उतर आता है। यानी कि करीब 5 महीने बीत जाते हैं। पहले वो अप्रैल में गर्भवती होती है, उसके बाद वो सितंबर 2022 में गर्भवती हो जाती है, और उसके बाद फिर से उसे पता चलता है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो वो उसको फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसका गर्भपात करा देता है। ये गर्भपात वाली जो 2 बार की घटना होती है, ये लड़की पूरी तरह से टूट जाती है। उसने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये अब आगे नहीं होगा, जितना सब कुछ हो चुका है वो बहुत गलत है, अब शादी के बाद ही सब कुछ होगा। लेकिन जब बात शादी की आती है तो दरोगा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। ये बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट की अगर बात माने तो दोनों की पोस्टिंग देवरिया जिले के अंदर ही होती है। इसी बीच में इसका ट्रांसफर हो जाता है। महिला कांस्टेबल जब जब इससे बातचीत करने की कोशिश करती थी तब तब वो उसका फोन काट दिया करता था। महिला कांस्टेबल इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसी बीच में महिला कांस्टेबल को यह पता चलता है कि उसकी शादी कहीं दूसरी जगह बात चल रही है, तय होने वाली है किसी महिला शिक्षिका के साथ। तभी ये महिला कांस्टेबल पहुंच जाती है SP साहब के पास, और SP साहब को जाकर जब पूरी कहानी बताती है, SP साहब देवरिया जिले का एक थाना लगता है गौरी बाजार थाना, वहां की पुलिस को आदेश देते हैं, कहते हैं कि इस महिला को भेजा जा रहा है, इसकी प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। आखिरकार पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा अपराध संख्या 00057/2024 और मुकदमा IPC की धारा 376 यानी कि बलात्कार, साथ ही 313 यानी कि किसी भी महिला की बिना मर्जी के उसका गर्भपात कराना, वो भी एक बार नहीं 2 बार कराया गया है, ऐसा इस महिला ने अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया था। 323 यानी कि इस महिला को चोट पहुंचाना, उसको हार्म पहुंचाना, साथ ही 504 यानी कि उस महिला का बार बार अपमान करना, साथ ही 506 यानी कि उसको धमकी देना, यदि वो बात नहीं मानेगी तो उसके साथ उसे वो किसी भी तरह का जान माल का नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने के बाद जब ये बात
जब ये घटना अखबारों सोशल मीडिया पर प्रकाशित होती है, जब वायरल होती है, तब एक दरोगा का क्रूर चेहरा लोगों के सामने आता है। पता चलता है कि उसने एक बार नहीं दो बार बल्कि गर्भ में पल रहे दो बच्चों की हत्या कर देता है। जब मुकदमा दर्ज होता है तब पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए जाती है। हालांकि ये बताया जाता है कि इस दरोगा की जो तैनाती होती है वो गोरी बाजार का ही एक चौकी लगती है, बेतालगंज चौकी, उसी का ही इंचार्ज होता है। और जब इसी के खिलाफ इसी के थाना सर्किल में जब मुकदमा दर्ज होता है तो ये वहां से भाग जाता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं आता। और इसी बीच में जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो जिस महिला शिक्षिका के साथ इसके रिश्ते की बात चली थी, उस महिला शिक्षिका ने एसएसपी के पास जाती है और एसएसपी के पास जाने के बाद कहती है कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए, मैं भी चाहती हूं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाइयों ने जहां भी मेरा रिश्ता तय किया है, आखिरकार मैं आखिरी दम तक वहां पर डटी रहूंगी। जब तक ये व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहां से पीछे नहीं उठूंगी। जब जांच की आंच में तपाकर इस दरोगा को इसके नाम का अपनी मांग में सिंदूर भरा जाएगा। दोनों महिलाएं होती हैं, एक तरफ वो जो न्याय के लिए भटक रही थी, एक महिला वो जिस तन और वचन से इसे अपना पति मान चुकी है। देखने वाली बात यह है कि महिला कांस्टेबल की जीत होती है या फिर इसमें जो महिला शिक्षिका है उसकी जीत होती है। लेकिन जो धाराएं इस मुकदमे में दर्ज की गई हैं उस धाराओं से इस दरोगा का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक धारा जिसमें जो लगाई गई है आईपीसी की धारा 313 जिसमें साफ साफ उल्लेख है कि उस महिला का दो बार गर्भपात किया गया है। यदि 376 में भी समझौता भी हो जाता है किसी वजह से तो वो गर्भपात के मामले में किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, इसलिए इस दरोगा का करियर भी खराब हो सकता है। ऐसा भी बताया जाता है कि इस महिला कांस्टेबल को अपनी बातचीत से सुलहनामा कर लिया गया था, समझौता कर लिया गया था, और समझौता करने के बाद जब तरह तरह की बातें फैलने लगती हैं तब इससे महिला कांस्टेबल को गुस्सा आता है। उसने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि शुरुआत में आपको कोई ना कोई बहाना करके आपके साथ किसी भी तरह का संबंध स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद यदि एक बार कोई गलत काम होता है तो उसी को आधार बनाकर बार बार गलत काम होता चला जाता है, जैसे कि इस महिला कांस्टेबल के साथ होता है। पहली बार उसके साथ गलत काम हुआ था, उसे समझा बुझाकर तसल्ली दे दी गई। यदि वो अपने माता पिता से संपर्क करने के बाद इस दरोगा के परिवार वालों से संपर्क करके शादी की बात रखती तो शायद शादी हो जाती, और जो बात आज यहां तक पहुंची है वो कभी भी नहीं पहुंच पाती। साथ ही इस महिला कांस्टेबल के जो अश्लील वीडियो, अश्लील फोटोग्राफ्स बना लिए गए थे, यदि वो महिला खुद सतर्क रहती, कहती कि जो भी कुछ होगा वो शादी के बाद होगा, तो शायद ये सब कुछ होता भी नहीं और ना ही उसके